स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया मेथड, दैट इज गॉस आइडियल मेथड। स्टूडेंट इससे पहले मैं आपको जैकोबी मेथड बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग साइमल्टेनियस जो इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स, जहां पे मैंने आपको दो टाइप के मेथड बताए थे, डायरेक्ट मेथड और इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने बात करी थी गॉस एलिमिनेशन मेथड, पार्टीशन जो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड था, देन हमने जॉर्डन मेथड भी पढ़ा था, उसके बाद फिर इटरेटिव मेथड आता है जिसके अंदर मैंने आपको जैकोबी मेथड बताया, और आज मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि गॉस आइडियल मेथड क्या होता है। स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर मेरे और भी जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी यहाँ अपलोडेड हैं, जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर जो न्यूमेरिकल एनालिसिस उसके अंदर इंटरपोलेशन है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है, देन मैंने जो न्यूटन रैप्सन मेथड, गॉस एलिमिनेशन, गॉस साइड सॉरी रुगला फॉल्सी मेथड है, और भी बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड, ये इटरेटिव मेथड, ये सभी जो इक्वेशंस होती है उसके एल्जेब्रिक इक्वेशन के रूट कैसे हम निकालते हैं उस पर बेस्ड ये मेथड्स हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटेब आ रहा है यहाँ पे जाके मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आप जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड करता आ रहा हूँ, तो आप वो भी यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, सो देट कि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो यहाँ पे देखते हैं गॉस आइडियल मेथड क्या होता है। स्टूडेंट गॉस आइडियल मेथड या इटरेटिव मेथड का यहाँ पे ये जो मेथड है ये जैकोबी मेथड जैसा ही है जो हमने पढ़ा है, बट इसके अंदर थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि जैकोबी मेथड के अंदर क्या होता है कि जो इटरेशंस होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस मेथड, वो बहुत लंबा मेथड होता है, जैकोबी ये मेथड थोड़ा सा शॉर्ट होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि एक ही मतलब हर स्टेप में मतलब इटरेशन हम एक ही यूज करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको साइकिल वाइज यूज करेंगे, बताऊंगा कैसे करेंगे, बट एक बार हम क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर ज्यादा थ्योरी डिस्कस करना भी एक तरह से बोरिंग हो जाता है, तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको थ्योरी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये मेथड होता क्या है, क्लियर। सो देखिए आप क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन By using Gauss Seidel method, Seidel iterative method, है ना। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मेथड है ये कब यूज करते हैं। देखो नॉर्मली अगर बाई नेम आ गया तो आपको ये मेथड यूज करना ही करना है ना। अगर बाई नेम नहीं आता और आपसे बोले तो आपको यहाँ पे क्या करते हैं कि जो इन x1, x2 और x3 के जो कॉफिशियंट्स होते हैं इनको हम देखते हैं कि अगर किसी एक का कॉफिशियंट लाइक जैसे ये x का कॉफिशियंट है ना, इन दोनों के कॉफिशियंट के सम से ज्यादा आ रहा है, दिख रहा है ये, है ना। तो देखो इसका इससे ज्यादा आ रहा है, फिर इसका कोफिशियन देखो इन तीनों में x2 का कोफिशियन ज्यादा है ना 2, अगर इनको देखेंगे आप तो यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -1 +-1 ये बराबर आ रहा है, लाइक ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ रहा है तो चलेगा, है ना, पर ये बड़ा आना चाहिए। देन इधर भी देखेंगे आप तो x3 का कोफिशियन क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे बड़ा आ रहा है किससे, x1 के कोफिशियन और इसके कोफिशियन से। तो मतलब अगर किसी तीनों वेरिएबल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का कोफिशियन रिमेनिंग टू वेरिएबल के कोफिशियन से ज्यादा आता है तो ये मेथड हम यूज करेंगे तो हमारा आंसर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सो देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे x1 का कोफिशियन ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस 2, तो हम क्या करेंगे x1 को इधर रखेंगे एंड देन बाकी को उधर लेके जाएंगे, तो ये आएगा 7 + x2 एंड देन ये तो 0 है तो मतलब नहीं है, है ना, देन डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। नाउ इधर x2 का कोफिशियंट ज्यादा है तो x2 को यहाँ रखेंगे देन रिमेनिंग उन दोनों को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ आएगा 1 + x1 + x3 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 एंड x3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट, ये तो 0 है ये उधर जाएगा, तो ये आएगा 1 + x1 / 2, क्लियर है। तो पहले आपने यहाँ पे x1, x2 और x3 की वैल्यू निकाल ली, अब हम यहाँ पे इटरेशन को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल जो इटरेशन होती है वो क्या होती है, इनिशियल जो आप मानेंगे अप्रोक्सीमेशन ले लीजिए आप, है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे जो x0 है उसको हम 0, है ना, एंड लाइक x1 को फर्स्ट अप्रोक्सीमेट लाइक x1 0 लिख दीजिए ऐसा है, देन x2 0, देन x3 0, इनकी वैल्यू हम यहां पे क्या लेते हैं 0 लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करता हूं मैं फर्स्ट इटरेशन की, देखो x1 की वैल्यू निकालेंगे ना, तो स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं हम यहां पे x2 को 0 ले रहे हैं ना, तो x2 को 0 ले रहे हैं तो यहां पे जो x1 की वैल्यू आएगी मैं इसकी फर्स्ट इटरेशन निकाल रहा हूं, राइट, है ना, क्योंकि हमने इनिशियल तो ये ली है देन ये वैल्यू उठा कर रखा, राइट। तो देखो यहाँ पे ये x2 क्या आ गया, x2 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये 0 आ गया तो बचा कितना 7/2 और 7/2 का मतलब होता है अराउंड 3.5। ओके नाउ अब बात करते हैं इसकी सेकंड इटरेशन मतलब सेकंड लाइक x2 की वैल्यू। अब x2 की वैल्यू में क्या होता था, जो जैकोबी मेथड मैं आपको बता रहा था उसके अंदर क्या होता था, यहाँ पे जैसे x1 वहां पे ये होता था x1 0 एंड
X30, राइट, है ना, मतलब हम ये वाली इटरेशन यूज करते थे। पर भैया गॉस सीडल मेथड में क्या होता है कि आपने X1 की वैल्यू 3.5 निकाल ली है, तो भैया आप जीरो मत लीजिए, आप इसकी फर्स्ट इटरेशन को यूज करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये फर्क होता है गॉस सीडल मेथड और जेकोबी मेथड के अंदर। वहां पे दोनों जो इटरेशन होती है वो इनिशियली होती थी जेकोबी में, पर यहां पे अगर आपने X1 की वैल्यू, जो फर्स्ट इटरेशन X1 की, वो नहीं निकाल ली है, तो फिर उसको जीरो रखने की जरूरत नहीं, उसको हम 3.5 रखेंगे। और X3 हमने नहीं निकाली तो वो जीरो ही रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, 1/2 1+3.5 हो रही है तो जीरो ही है ना। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 / 2 दैट इज 2.25 हमारी ये वैल्यू आएगी। स्टूडेंट हम क्या करेंगे अब इसकी थर्ड मतलब X3 की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के अंदर। तो X3 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 नाउ 1+ अब यहाँ पे क्या रहा X1, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था X1 की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इटरेशन वाली यूज करेंगे क्योंकि हम X1 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट। तो ये वैल्यू रखेंगे तो आएगा 1/2 1+ X1 की वैल्यू कितनी है 3.5, सो इट इज 4.5/2 दैट इज अराउंड 2.25। ये हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट होगा। नाउ बात करेंगे सेकेंड इटरेशन की, है ना। तो सेकंड इटरेशन के अंदर अब मैं थोड़ा सा क्या कि वैल्यू मुझे यहाँ पे देखनी पड़ेगी, तो आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब ये वैल्यू तो हमने निकाल दी, दैट इज 3.5 2.25 एंड 0.6 ओके, यहाँ पे जो वैल्यू थी, अच्छा एक थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, आप प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ करेक्ट कर लीजिए इसको। ये जो माइनस का X3 था, ये X2 था क्योंकि हम X3 की वैल्यू निकाल रहे थे, माइनस का X2 उधर जाएगा, थे यहाँ पे प्लस का X2 होगा, तो मैंने यहाँ X1 लिख दिया था, तो ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये X2 आएगा स्टूडेंट, 1/2 1+ X2 है, तो ये X2 है, तो यहाँ पे ये X2 है और X2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.25, है ना। तो 2.25 की वैल्यू यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 1.625 आएगी, ओके। नाउ स्टूडेंट बात करेंगे सेकंड इटरेशन की, सेकंड इटरेशन के अंदर वापस क्या करेंगे हम, X2 की वैल्यू निकालेंगे, है ना, मतलब X1 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आप क्या होगा यहाँ पे, 1/2 7+X2 और X2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ फर्स्ट वाली यूज करेंगे हम, क्लियर, क्योंकि हमने X2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है, राइट। तो 1/2 ये आएगा 7+2.25 दैट इज इक्वल टू 9.25/2 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू आएगी 4.625, राइट। नाउ अब बात करेंगे इसकी अगेन X2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की, तो X2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, फार्मूला तो यही है भैया, फार्मूला तो चेंज होने वाला है नहीं, है ना। 1+ अब X1 की वैल्यू हमने क्या निकाल दी यहाँ पे, ये नहीं निकाल दी, तो X1 की वैल्यू नई वाली यूज करेंगे और X3 हमने नहीं निकाली तो पुरानी वाली वैल्यूज होगी यहाँ पे, है ना। तो X3 क्या आएगा यहाँ पे, डैश आएगा, राइट। नाउ स्टूडेंट क्या आएगा ये 1/2 1+ X2 की जो वैल्यू वो कितनी आ रही है यहाँ पे, 2.25 आ रही है, प्लस X3 हमारा X2 की जो वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे ना, 4.625 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1.625, देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3.625 आएगी, राइट। अब देन थर्ड X3 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन की बात करेंगे, तो X3 का फार्मूला हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 1/2 1+ X2 और X2 हमने नया निकाल दिया, दैट इज सेकंड अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू आ गई नहीं, तो ये रखनी पड़ेगी, तो 1/2 1+3.625 देन इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आएगी 2.3125, राइट। तो ये हमारी सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगी स्टूडेंट, आगे दो और अप्रोक्सीमेशन आपको बताऊंगा, तो मैं ये वाला साइड आपको हटा देता हूं, एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको थर्ड और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन यहां बताता हूं। नॉर्मली यहां पे थर्ड और लाइक फोर्थ या फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर सही आ जाता है, क्लियर। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाली, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, नाउ देखिए थर्ड मतलब अप्रोक्सीमेशन दैट इज इटरेशन, तो यहाँ पे बात करेंगे हम थर्ड इटरेशन की, तो थर्ड इटरेशन में वही हमारे सामने नेक्स्ट जो फार्मूला होगा X1 3, है ना, इज इक्वल टू 1/2 ये आएगा 7+X2, है ना, X2 2, राइट, है ना। देखो यहाँ पे ये 7+X2 है तो ऊपर सेकंड अप्रोक्सीमेशन यूज आएगी, ओके। सो 1/2 7+X2 की वैल्यू कितनी है सेकंड अप्रोक्सीमेशन, दैट इज 3.625 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 5.3125 आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा आपको। देन हम यहाँ पे इसकी X2 की वैल्यू निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1/2 1+X1 थर्ड अप्रोक्सीमेशन, देन X3 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि X1 हम ऑलरेडी नया निकाल चुके थे, तो हम यहाँ पे इसकी थर्ड अप्रोक्सीमेशन वाला यूज करेंगे और जो X3 है वो हमने नया नहीं निकाला तो हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वाला ही यूज करेंगे, क्लियर है। सो 1/2 1+X1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 5.3125 प्लस X3 का जो वैल्यू आ रहा है वो आया 3.2125,
सॉरी 2.3125, देन इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा 4.3125, देन हम x3 की अगर थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे तो हमारे पास फार्मूला x3 का दैट इज 1 प्लस x2, थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्योंकि x2 ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है नया, सो 1/2 x3 थर्ड अप्रोक्सीमेशन कितना आ रहा है 4.3125, देन इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2.625625, राइट। नाउ बात करेंगे हम फोर्थ इटरेशन की, स्टूडेंट यहाँ पे फोर्थ से फिफ्थ इटरेशन तक आपको करना पड़ेगा तभी आपका आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे x1 फोर्थ इटरेशन इज इक्वल टू 1/2 7 प्लस x2 थर्ड इटरेशन, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये आएगा 1/2 है ना 7 प्लस x2 थर्ड इटरेशन में वैल्यू क्या आई दैट इज 4.3125, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 5.65625 है ना, देन हम यहाँ पे x2 फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 1/2 x1 फोर्थ एंड x3 सेकंड, क्योंकि x1 हमारे पास फोर्थ निकल चुका है सो ये आएगा 1/2 x1 फोर्थ इटरेशन का आएगा 5.65625 प्लस x3 सेकंड इटरेशन वाला वैल्यू क्या आ रहा है 2.65625 है ना, देन इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड फोर्थ इटरेशन में जो x2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.65625, राइट। देन हम यहाँ निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन x4 तो ये आएगा 1/2 1 प्लस x2 फोर्थ, राइट। सो 1/2 1 प्लस x2 फोर्थ इटरेशन की जो वैल्यू आई वो आई 4.65625, देन इसकी वैल्यू निकालेंगे हम तो यहाँ से वैल्यू आएगा स्टूडेंट 2.828125। स्टूडेंट अब आपको मैं सीधा बता रहा हूँ यहाँ पे जो फिफ्थ इटरेशन आएगी लाइक हम बात करेंगे फिफ्थ इटरेशन, तो फिफ्थ इटरेशन के अंदर मैं आपको सीधा बता रहा हूँ यहाँ पे x1 फिफ्थ एंड x2 फिफ्थ देन x3 फिफ्थ, क्योंकि अब मेथड वर्क हुई है बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं अपन, तो मैं सीधा वैल्यू लिख देता हूँ तो ये आएगा स्टूडेंट 5.8281, देन यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी ये 4.8281 एंड ये आएगा 2.9106, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे यूज़, तो लाइक आपको इस टाइप से अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और लाइक फिफ्थ इटरेशन आएगी देन आपके पास सिक्स्थ इटरेशन आएगी देन आपके पास सेवन्थ इटरेशन आएगी, तो मैं आपको ये सिक्स और सेवन्थ इटरेशन लिख देता हूँ, फिर आप उससे आंसर को क्या कर सकते हो अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। स्टूडेंट यहाँ पे इसने इस क्वेश्चन को 11th अप्रोक्सीमेशन में कर रखा था, चलो मैं आपको दो तीन इटरेशन और बता देता हूँ फिर इसको अपन फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप मैंने फिफ्थ इटरेशन बताई देन सिक्स इटरेशन से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी वैल्यू 5.9140 आ रहा है, x2 इज इक्वल टू 4.9140 आ रहा है, x3 इज इक्वल टू 2.9570 आ रहा है। इसी टाइप से हम सेवन इटरेशन देखेंगे तो इसका अराउंड आंसर 5.9570, x2 इज इक्वल टू 4.9570 एंड x3 इज इक्वल टू 2.9785, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है लाइक जैसे आप इटरेशन देख रहे हैं तो जो x1 हो रहा है वो किस पे कन्वर्ट कर रहा है 6 पे वैल्यू आ रही है, x2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है 5 की वैल्यू आ रही है और x3 वैल्यू किसके बराबर आ रही है पे लाइक वैल्यू जो आ रही है आपके पास वो क्या आ रही है ध्यान दीजिए, वैल्यू आपके पास आ रही 5.9570 व्हिच इज एप्रोक्सीमेटली 6 एंड x2 की जो वैल्यू आ रही वो आ रही 4.9570 व्हिच इज एप्रोक्सीमेटली 5 एंड x3 की जो वैल्यू आ रही वो आ रही 2.9785 व्हिच इज एप्रोक्सीमेटली 3। तो स्टूडेंट यहां पे जो x1 का रूट आएगा वो 6 आएगा, x2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 5 और x3 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी आएगी 3, तो ये हमारे क्या होंगे रूट्स होंगे है ना। तो इस तरह से यहां पे हम गॉस सैडल मेथड को यूज़ करते हैं स्टूडेंट, जेकोबी मेथड और गॉस सैडल मेथड है दोनों ही लगभग एक जैसे हैं पर स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गॉस जेकोबी मेथड जो होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं जो अप्रोक्सीमेशन इनिशियल होती है वही फर्स्ट इटरेशन में यूज़ होती है, फिर जो फर्स्ट इटरेशन वाली जो वैल्यूज होती है वो सेकेंड में यूज़ होती है, फिर सेकंड वाली थर्ड में यूज होती है, पर जो गॉस सैडल मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू है उसको हम नेक्स्ट इटरेशन में यूज करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा आंसर थोड़ा सा फास्ट आता है एज कम्पेयर टू जेकोबी मेथड। तो स्टूडेंट इस तरह से हम यहाँ पे निकालते हैं और अगर आप लास्ट में अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो ये मेथड यूज करना, पर यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, तो आप क्या करें जो भी आंसर आप निकाल रहे हैं उस आंसर को आप वापस क्या करो इक्वेशन में रख के चेक कर लो, अगर ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब सही है, नहीं कर रहे हैं मतलब गलत है, तो लास्ट में आप चेक भी कर सकते हो कि क्या आपका आंसर सही है या फिर
गलत है। और यहाँ पे कैलकुलेटर चलाना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, तो कैलकुलेटर आप चलाना सीखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कर रहा है या बीएससी कर रहा है वहाँ पे कैलकुलेटर चलाने में छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल एनालिसिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये सब्जेक्ट बहुत ईजी है, पर यहाँ पे स्टूडेंट कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। लगभग 60-70% स्टूडेंट का मेथड सही होता है, पर लास्ट में आंसर्स गलत निकलते हैं, तो आपको अपना कैलकुलेटर चलाना भी सही से आना चाहिए, वो आप ही अच्छे से सीख सकते हो, मुझे यूट्यूब पे सिखाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। फिर भी आपको लगता है कि सर कैलकुलेटर चलाने पे भी आप एक वीडियो बनाइए, तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करके दे दूंगा, ठीक है। सो मुझे लगता है स्टूडेंट मेरा जो पढ़ाया गया कंटेंट है वो आपको हेल्प कर रहा होगा, और अगर कर रहा है तो प्लीज़ आप मेरे जो वीडियो है उसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।